अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर माइक्रोवेव में केक किस तरीके से बनता है। ये सिंपल स्पंज केक बन रहा है यहाँ पर और साथ में ये एगलेस भी है। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। आपको चाहिए इसके लिए दूध, होल मिल्क जो होता है आपका सादा घर पर, आपको मिल्क चाहिए फ्रेश, बीच में जाएगी चीनी, दैट्स शुगर, कास्टर्ड शुगर है यहाँ पर, प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा बीच में जाएगा, तेल इस्तेमाल करेंगे इसमें यानी कि ऑयल, सॉल्ट यानी कि नमक, लेमन जूस जाएगा फ्रेश डाल लेंगे बॉटल का, कोई इशू नहीं है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों इस्तेमाल होंगे, वनीला एसेंस जाएगा इसके ऊपर जो हम फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वाइट चॉकलेट की गनाश, उसके लिए आपको चाहिए डबल क्रीम, वाइट चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इसको चॉकलेट डार्क चॉकलेट का इफेक्ट देना तो फिर आप डार्क जो मिल्क चॉकलेट होती है वो इस्तेमाल करेंगे। 9 इंच का आपको चाहिए होगा ओवन प्रूफ माइक्रोवेव प्रूफ डिश चाहिए, शीशे की है, पायरेक्स की है, इसे मैंने पहले ग्रीस की और बीच में फ्लाई यानी कि मैदा डाल करके एक्स्ट्रा रिमूव कर दी है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम जो हमेशा केक के लिए आपको कर लेना चाहिए वो ये कि हम इसे छान लेंगे, मैदा चला गया बीच में, नमक भी बीच में जा रहा है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसे अच्छी तरह छान लें और फिर एक खुश चमचे से यानी कि ड्राई स्पून के साथ में इसे मिक्सअप कर लें ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अच्छी तरह मैदे में मिक्स। यहाँ पर आपको एक अलहदा बोल की ज़रूरत है जिसमें मैंने चीनी ऐड कर ली हुई है और बीच में आप डालेंगे जो कि ऑयल है और यहाँ पे आपने अच्छी तरह जो है इसको सिर्फ विस्क की मदद से ही चीनी को और तेल को मिक्स करना है। इसकी खास आपने कोई इतनी मिक्सिंग नहीं करनी है, ना ही हो सकती, क्योंकि तेल में देखने चीनी जाकर के बैठ सी जाती है। सिर्फ ये है कि चीनी जो है तेल के साथ में आपने अच्छे से मिक्स कर ली। यहीं पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि दूध है, लेमन जूस चला गया बीच में और ये चला गया बीच में वनीला, और इसे पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखिए सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट ज़रा थोड़ा सा हाथ आपका दुखेगा ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ा मेहनत का काम है। चीनी को आपने सिर्फ जो है दूध में यहाँ पर डिजॉल्व कर लेना जो यहाँ पर ये हो चुकी हुई है, और जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और प्लेन फ्लावर का जो मिक्सचर है चमचे से प्लीज़ ज़रूर मिक्स कर लीजिएगा ताकि इक्वली चीज़ें मिक्सअप हो जाएँ। ये डालें और इसको भी अच्छी तरह यहाँ पर आप मिक्स कर दीजिए। देखिए सिर्फ आपने इसको इतना मिक्स करना है कि जो ड्राई हमने इन्ग्रीडियंट्स मैदा वगैरह इसमें डाला है वो तमाम को अच्छी तरह हमारे वेट इन्ग्रीडियंट्स में मिक्सअप हो जाना चाहिए। ये हो गया यहाँ पर हमारा बैटर परफेक्टली तैयार, जो ग्रीस्ड आपको दिखाया था पायरेक्स का डिश, और बीच में मैदा ज़रूर लगाइएगा। इसमें ये होता है कि आपका केक आसानी से जिस भी डिश में आप डाल लेते हैं वो रिमूव हो जाता है। अब इस बैटर को आपकी बीच में डालेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। बैटर को बीच में डालने के बाद अब आप इसे माइक्रोवेव में डालेंगे और इसको हाई पर आपने बेक करना है माइक्रोवेव के अंदर में फॉर 5 मिनट्स, या फिर जब तक आप बीच में टूथपिक चेक करके देखेंगे, अगर वो साफ़ निकलती है, उस पर गीला बैटर नहीं है तो आपका केक तैयार हो जाता है। अगर आपको लगता है अभी भी उस पर गीला बैटर है तो आप थोड़ा सा और उसको टाइम दे सकते हैं माइक्रोवेव में, तो ये अब जाएगा माइक्रोवेव में और फिर आपको नेक्स्ट। परफेक्टली केक जो है माइक्रोवेव में कुक हो चुका हुआ है। मुझे 5 मिनट से ज़्यादा इस पर लगे, इंशाल्लाह जो रेसिपी होगी उस पर आपको मैं दिखा दूँगी कितना टाइम लगा, लेकिन माइक्रोवेव में हुआ है। यहाँ पर देख लें आपके सामने एक सिक्योर डाल करके बाहर निकाल रहे हैं और ये परफेक्टली ये देख लें ड्राई, ठीक है। तो ये हमारा केक हो चुका है तैयार, इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने दें, इसको तकरीबन 10 मिनट दें बीच में ताकि ये ज़रा सेट होगा, साइड्स रिलीज हो जाएंगी और फिर आपको नेक्स्ट है। इसे अब मैं माइक्रोवेव में डाल करके 1 से 1.5 मिनट दूंगी ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसकी गनाश के साथ क्या है। काफ़ी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है इसकी, इसको अपने हाई पर करना है 1 से 2 मिनट कर लीजिएगा। जो वाइट चॉकलेट है उसके ऊपर आप इस क्रीम को यूँ पोर करते हैं और इसको बिल्कुल छेड़ेंगे अभी आप बिल्कुल नहीं, इसको थोड़ी देरी छोड़ दें, उसके बाद इसको हम विस्क के साथ में मिक्स करेंगे। जैसे ही बीच में चॉकलेट मेल्ट होगी आप इसे उठा करके फ्रिज में रख दें 5 से 10 मिनट के लिए और बीच बीच में हल्का सा ही हिलाते रहें ताकि बिल्कुल ही जम ही ना जाए। उसके बाद इसे हम केक पर डेकोरेट कर लें, आप इसके ऊपर यूँ पोर कर लेते हैं और साथ साथ इसको आप जो है स्प्रेड कर लें, ज़्यादा या कम वो आपकी अपनी चॉइस पर है। बाकी जो है आप इसको डाल सकते हैं किसी एयरटाइट बॉक्स में भी रख सकते हैं, बाद में केक सर्व करते वक्त भी आप इसको डाल सकते हैं। मैंने कुछ चॉकलेट जो है थोड़ी सी कद्दूकश कर ली थी, ग्रेट कर ली थी, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा इसे भी लगा दें। इसी के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप गनाश और थिक पसंद करते हैं तो फ्रिज में इसको ज़्यादा देर रहने दें,
एक आधा उसको पीस आपको काट कर भी दिखा देते हैं, और उसको डिश आउट, एक आधा पीस आपको काट कर भी दिखा दिया है। परफेक्टली कुक होता है माइक्रोवेव में, स्पंजी होता है, बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे गरम गरम कस्टर्ड के साथ में भी सर्व कर सकते हैं, या फिर व्हिप क्रीम के साथ में। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज कुक विद faiza.net पर। जरूर बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।